आज हम कांग्रेस का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करने वाले हैं। 120 सेकंड का है, आप लोगों के समक्ष अभी देंगे। उससे पहले हम सभी आपके बीच बात करेंगे। हमारी बाकी जितने भी क्रिएटिव्स हैं, दूसरी चीजें हैं, वो सब तैयार हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर लगातार हमारा वह कार्यक्रम चल रहा है, हर रोज हिंदी अंग्रेजी दोनों में, जो आप लोग देख रहे होंगे। और आज से यह गाना और कल से हमारे जितना भी प्रचार का तंत्र है वह पूरा शुरू हो जाएगा और लोगों के बीच हम उसे पहुंचाना शुरू करेंगे। हमने बहुत कुछ दूसरी पार्टियों का भी देखा है और काफी हंसी आती है जब वह प्रचार करते हैं, और उसमें भी काफी प्रपंच है। उस प्रपंच को भी हम स्टेज वाइज उसका हम भंडाफोड़ करेंगे। हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से वो भंडाफोड़ हो रहा है और उससे दूसरे माध्यम से भी हम आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। मुझे केवल आपको इतना बताना था इससे पहले कि आपको हम अपना कैंपेन सॉन्ग दिखाएं। मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि वो अपना वक्तव्य रखे। आप सबका स्वागत है। अभी जैसा कि कीर्ति जी ने बताया कि आज हम थीम सॉन्ग जो है उसको चालू करने वाले हैं। और दूसरा ये है कि सॉन्ग में सबसे बड़ी जो बात है वो बात है कि कांग्रेस के शासन में दिल्ली क्या थी और दिल्ली को बेहाल किसने किया है, अब दिल्ली क्या है। हम इसमें कांग्रेस वाली दिल्ली जो खुशहाल दिल्ली थी उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो दिल्ली की क्या दशा थी। दिल्ली के अंदर ना बिजली थी, ना पानी थी, ना मेट्रो थे, ना फ्लाईओवर थे। दिल्ली के अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल्स कुछ भी नहीं, बुरी हालत थी उन सब की। और दिल्ली को सजाया और सवारा जब कांग्रेस पार्टी 98 में सत्ता में आई, दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी जिसकी मुखिया लेट श्रीमती शीला दीक्षित जी थी। तो सबसे पहले जो बड़ा काम किया वो था कि दिल्ली वासियों को बिजली उपलब्ध करवाना और दिल्ली के लोगों के लिए उनकी जो प्यास थी उसकी प्यास को बुझाना। मेट्रो के बारे में सबसे पहला कदम उठाया दिल्ली सरकार ने। एक विजन था कि दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनाने का। लोग डरते थे दिल्ली के अंदर आते हुए, लेकिन कांग्रेस ने अपने शासन में दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनाया, दिल्ली को बेस्ट ग्रीन सिटी बनाया और उसके लिए यूनाइटेड नेशन से उनको अवार्ड भी मिला। दिल्ली के अंदर सबसे पहले अगर सीएनजी आई तो ये भी कांग्रेस पार्टी की देन थी। आज अपना कैंपेन हम चालू करने जा रहे हैं ये दर्शाने के लिए कि किस तरह दिल्ली के लोग खुशहाल थे और जिस तरह से दिल्ली को बेहाल किया है उसके बारे में समय समय में जैसे कीर्ति जी ने बताया सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यम से। जैसे आप लोग जानते हैं कि रोज नई स्कीम, नई चीजें हम उजागर कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ भी, और नई चीजें आपको बता रहे हैं कि हमारा विजन क्या है, चाहे वो बिजली है, पानी है और कई चीजें हम अपने मैनिफेस्टो में लाने जा रहे हैं। दे कांट इवन थिंक कि व्हाट शुड बी डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ डेली लाइफ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस सत्ता में आने के बाद दिल्ली का जो बेहाल किया है केजरीवाल सरकार में, हम फिर से दिल्ली को खुशहाल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जिस प्रकार से अध्यक्ष जी ने बताया कि कांग्रेस वाली दिल्ली जो ऐसी दिल्ली थी कि जिसने दिल्ली वासियों ने महसूस किया, वो ऐसी दिल्ली थी कि जो दिल्ली की आधुनिक दिल्ली की जो नींव रखी गई वो कांग्रेस वाली दिल्ली थी। आज जिस प्रकार से आम आदमी द्वारा या भाजपा द्वारा प्रचार हो रहा है कहीं पे भी वो पॉजिटिव बात नहीं कर पा रहे। अगर कुछ नहीं हुआ वो एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे की
ए बी टीम की तरह वो लोग काम करते हैं। हमको वो नहीं देखना है। हम सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहे हैं आज दिल्ली को कि आप प्लीज सोचिए कि कौन से समय में आपका विकास हुआ, कौन से समय थे जब दिल्ली में स्कूल हुई, कौन से समय में थे जब दिल्ली में प्रदूषण की हम बात नहीं करते थे, हरियाली वाली दिल्ली थी। एक ईमानदार विकास की तरफ हम दिल्ली को वापस ले जाना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जिस ईमानदारी से शीला जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास हुआ, जो विकास की दौर आज टूट चुकी है कहीं ना कहीं जुमलेबाजी में, ड्रामेबाजी में, वही कांग्रेस का संकल्प है कि वही विकास की दौर को, वही कांग्रेस वाली दिल्ली को हम वापस बना के दिखाएंगे। और आज हमारा जो कैंपेन है कांग्रेस वाली दिल्ली, वो आज हम आपके सामने इनॉग्रेट कर रहे हैं। और कल से हमारे होर्डिंग है, सिनेमा मूवीज हैं, सारे सब जगह पे कांग्रेस वाली दिल्ली, ये हमारा कैंपेन रहेगा। और आज हम आपके सामने इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। देखते हैं कमल और झाड़ू की विज्ञापन सामग्री बेचने की कहानी। कांग्रेस के 15 साल के शासन में कांग्रेस ने दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाई। कांग्रेस ने हर वर्ग के लोगों के लिए कार्य किया, युवा, महिला, व्यापारी, सीनियर सिटीजंस के लिए योजनाएं बनाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया।
शिक्षा की बात करें तो कांग्रेस के शासन में हर साल 36 स्कूलों की स्थापना, 8 लाख बच्चों को स्कूल में भर्ती कराया, 16 लाख बच्चों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, लड़कियों को स्कूल में लाने के लिए सैनिटरी नैपकिन बंटवाए, 4 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए, 10 नए कॉलेज स्थापित किए। कांग्रेस के 15 साल दिल्ली थी बेमिसाल, वादे निभाए थे, वादे निभाएंगे। कांग्रेस के 15 साल के शासन में कांग्रेस ने दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाई। कांग्रेस ने हर वर्ग के लोगों के लिए कार्य किया, युवा, महिला, व्यापारी, सीनियर सिटीजन के लिए योजनाएं बनाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया। यातायात और परिवहन क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस के शासन में दिल्ली में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, दिल्ली में विश्व स्तरीय मेट्रो सेवा का प्रारंभ, ब्लू लाइन बसों को बाहर कर सीएनजी बसों को शुरू किया, रिंग रोड को सिग्नल फ्री करने के लिए 70 फ्लाईओवर बनाए, 67 फुट ओवर ब्रिज बनाए, 5271 किलोमीटर सड़कें जोड़ी, 15 बस डिपो बनाए, मुनीर का IGI एयरपोर्ट, अक्षरधाम, धौलाकुआ जैसी ज्यादा ट्रैफिक वाली जगहों पर फ्लाईओवर को बनाकर जाम घटाया गया। कांग्रेस के 15 साल दिल्ली थी बेमिसाल, वादे निभाए थे, वादे निभाएंगे।